दोस्तों, आपने सुना होगा कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन जब बात बॉलीवुड की आती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जोड़ियां ऊपर से नहीं बल्कि बैंक बैलेंस देखकर बनती हैं। लेकिन कुछ सेलिब्रिटी ऐसे भी हैं जो अपना करियर खत्म होता देख पैसे वाले से शादी कर लेते हैं, भले ही वो बूढ़ा आदमी ही क्यों ना हो। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ जोड़ियां दिखाएंगे जिसकी बुनियाद सिर्फ पैसे पर टिकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब 6 नंबर पर हैं जूही चावला और जय मेहता। अब इन दोनों की जोड़ी देखकर आप समझ गए होंगे कि जूही चावला ने इनसे शादी क्यों की, जबकि जूही चावला 53 साल की होते हुए भी सिर्फ 40 साल की दिखती हैं, जबकि उनके पति को देखकर लगता ही नहीं है कि इस शख्स की पत्नी जूही चावला है। हालांकि जय मेहता की सलमान जैसी बॉडी और शाहरुख जैसी शख्सियत नहीं है, लेकिन जय मेहता भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन टाइकून है, जिसके बैंक खाते में इतने पैसे हैं कि खर्च करने पर भी सारी जिंदगी खत्म ना हो। अब 5वें नंबर पर हैं टीना मुनीम और अनिल अंबानी। दोस्तों, अंबानी परिवार भारत का सबसे अमीर परिवार है और उस घर में नौकर होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन आपको इस घर में बहू बनने का मौका मिले तो आपकी 5 उंगलियां घी में होने के बराबर हैं, और टीना मुनीम के साथ भी यही हुआ था। और वो अपने समय में एक जानी मानी अभिनेत्री थी, लेकिन उनका कैरियर डूबने वाला था और उन्होंने अनिल अंबानी की तरफ रुख किया और उसके बाद उनकी पूरी किस्मत बदल गई। वह एक झटके में करोड़पति की पत्नी बन गई। नंबर 4 पर है श्रीदेवी और बोनी कपूर। जब श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की तो पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। श्रीदेवी की शादी पहले ही मिथुन चक्रवर्ती से हो चुकी थी और बोनी कपूर की भी शादी अर्जुन कपूर की माँ मोना से हुई थी, लेकिन इन दोनों ने बिना परवाह किए शादी कर ली। उस समय सबसे खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी को इतने सारे हैंडसम बॉलीवुड सितारों से नहीं बल्कि बोनी कपूर से प्यार हुआ था, जो असल में बॉलीवुड प्रोड्यूसर थे। अब दोस्तों, आपको बोनी कपूर के बैंक बैलेंस के बारे में अंदाजा हो गया होगा। 3रे नंबर पर है सना खान और अनस सैयद। अब सना खान को ही देख लीजिए, उन्होंने अब तक लगभग 14 फिल्मों में काम किया है और उन्होंने वर्तमान में 2021 में मुफ्ती अनस सैयद से शादी की। जब उन्होंने अपने शादी की फोटोज इंस्टाग्राम पर अपलोड की तो कई लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्होंने उन तस्वीरों को इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अनस सैयद की कुल संपत्ति लगभग $30 मिलियन है और आप समझ गए होंगे कि सना खान ने उनसे शादी क्यों की। 2रे नंबर पर आते हैं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। अगर दोस्तों ससुर के रूप में सुपरस्टार मिले और साहस के रूप में पॉलिटिशियन और पति खुद चांदी का चम्मच लेकर पैदा हो तो अभिषेक बच्चन की बीवी बनना कौन नहीं चाहेगा। उस समय ऐश्वर्या का करियर भी डूबने वाला था और ऐसे में कोई लड़की अपने हाथ से ऐसा मौका नहीं जाने देती। और अभिषेक बच्चन के साथ कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद ऐश्वर्या ने भी शादी कर ली। नंबर 1 पर आते हैं मान्यता और संजय दत्त। अपने समय की टॉप आइटम गर्ल्स में से एक मान्यता ने अपनी अदाकारी से पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया था। अब किसे पता था कि गंगाजल की आइटम गर्ल संजू बाबा की तीसरी और परमानेंट पार्टनर बन जाएंगी। जब उनकी मुलाकात संजय दत्त से हुई तब वो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी और उस समय संजय दत्त भी अपनी जिंदगी में अकेले थे और उस समय मान्यता की भी संजय दत्त में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। और अब आप देख सकते हैं कि मान्यता का संजय दत्त से शादी करना किसी जैकपॉट से कम नहीं था।